रोटर, रोटर का खुला रेट है 2 रुपया, फाइनल करके देगा। अब 200 पीस अगर करेगा 400 रुपया एक दिन में कमा लेगा। एक लड़का आराम से कितना पीस कर सकता है एकदम खुल के बोलो? 200 मजे से अकेले इस मशीन पे। 400 रुपया कहीं नहीं गया हुआ, ऐसे 400 रुपया थोड़ी कमा पाता है। ऐसे बहुत कमा पाएगा तो 225 रुपये कमाएगा, ऐसे 400 रुपये कमाएगा। खाली सीखने भर का दे रही है, हमको भी देने में दिक्कत नहीं, हम रोज का रोज पेमेंट करेंगे, देने में दिक्कत नहीं। पीस पे जो जो काम करेगा डेली पेमेंट करेंगे। हम चाहते हैं यहीं का लड़का लोग सीख जाए क्या जी? हाँ, और काम सीख के यहीं पे काम करें, पीस पे काम पकड़े, हम तो चाह रहे हैं इस चीज़ को। अरे हमको किसी को देना है तो तुम लो, या बाहर वाला है, बाहर वाला ले, यहाँ वाला लेगा ज़्यादा अच्छा ना, इसका खर्चा ज़्यादा बचाएगा, बाहर वाला कम बचा पाएगा। उसको तो अपना खुराकी देखना पड़ेगा, रहना देखना पड़ेगा, या जो भी देखना पड़ेगा। दोस्तों आज आपके सामने हैं पंखे के फैक्ट्री के मालिक, नाम है राजीव जी। आइए इनसे पूछते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या फ्यूचर है, पंखे का कारोबार कैसा है, बताइए राजीव जी। सर फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, और पंखा जो है वो तो बेसिक नीड है, वो चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबको चाहिए। और पंखे की वॉल्यूम भी अच्छी है। बस इस काम में एक ही चीज़ है कि आपको अपनी प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये 12 महीने का काम है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि 6 महीने का काम है, कि 6 महीने का काम नहीं है, क्योंकि 6 महीने में आपके पास जो ऑर्डर आएगा आप उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए आपको अपनी फैक्ट्री को 12 महीने अपने स्टॉक मेंटेन करना है। अब जो है रुकने वाला है जी, स्टार्ट टर्न शुरू वाला, शुरू वाला, बस बात वही है। तो इसमें जितना डालेंगे उतना पहले एक ही जगह घूमेगा, तब लेयरिंग स्टार्ट करेगा, समझ गए? आगे क्या होगा? ये ऑप्शन आता है 24 इंची 6 पोल। अच्छा, 24 हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड, ठीक है ठीक है, उसके लिए आता है, वो मोटरों के लिए आता है, ठीक बात है। तो हमको तो ये 12 पोल की हाई स्पीड चला रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, 12 पोल हाई स्पीड ही होता है। हाँ हाँ, इसमें तो हम 0 ही रखते हैं, ठीक है, लेयर हमको प्रॉपर प्रॉपर लेयर शुरू से ही चाहिए। तो इसमें 1 में 0 करके हम कॉपी कर देंगे, 1 में 0 करके कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब आगे इंटर्न, एंड टर्न, एंड टर्न वही 24-36 के लिए ही है। अच्छा, जैसे मेरे को एंड में ही ज्यादा टर्न गिराने हैं। हाँ हाँ, एंड में ही अंदर जाके टर्न ज्यादा गिराने हैं। हाँ हाँ, इसीलिए इसमें हम 0 रखते हैं, लेकिन 24-36 के लिए जितना भी डाल लें। अच्छा, जैसे 50 टर्न, 60 टर्न, 100 टर्न, तो उसके लिए प्रोग्राम। अच्छा, ये डालना चाहते हैं तो आप 150 भी डाल सकते हैं। आपको एपी फैन के बारे में बताऊंगा। ये जो हमारा बिना मूविंग वाला एपी फैन है, हम लोग 2 मॉडल में बनाते हैं एपी फैन को, एक मूविंग एक बिना मूविंग। ये प्लेन मॉडल है, ये इसका स्टॉप बटन हो गया, ये फर्स्ट स्पीड है, ये सेकंड स्पीड हो गया, और इसका हाई स्पीड। स्टॉप, फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और हाई स्पीड। देखिए इसको बनाने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो लगभग सिर्फ 3 व्यक्ति का ज़रूरत पड़ेगा। 3 जगह से इसको, अलग अलग जगह से आपको इसका रॉ मटेरियल मिलेगा। लेकिन सबसे खासियत, सबसे बड़ी ये है इसकी कि यह सारा रॉ मटेरियल आपको एक ही जगह, आनंद पर्वत एक दिल्ली में एक जगह है, ये सब वहीं पर इसके मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं। मोटर सबसे बढ़िया जो बनाते हैं वो देखिए ये है कंप्लीट वाइंडिंग यूनिट। इसमें ये है पेपर लगाने का, ये है स्टिक लगाने का मशीन,
देखिए स्टिक का इसमें ये छोटा होता है, ज़्यादा चौड़ाई इसकी नहीं होती है, और ये है पेपर, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये टॉप का पेपर लगाने का मशीन है और ये टॉप का स्टिक लगाने का मशीन है। ये एक डुअल ड्राइव का मशीन है, वाइंडिंग यूनिट। ये दूसरा, ये भी डुअल ड्राइव है, और ये बॉटम का स्टिक लगाने का मशीन है, और ये बॉटम का पेपर लगाने का मशीन है। यहाँ बॉटम का देखिए पेपर लगा हुआ है, इसके बारे में चर्चा बाद में करूँगा। आइए पहले इस मशीन को समझते हैं। देखिए ये दोनों केडी डॉवल्स का ही है, ये पूरा सेट केडी डॉवल्स का है जो मैं आपको बताता हूँ। फरीदाबाद का केडी डॉवल्स, ये बिल्कुल वहीं का बना हुआ मशीन सब है, और लगभग मैं इसकी बारे में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। उस दिखा दीजिए वायर गार्ड की सेटिंग। हाँ, ये वायर का देखिए कैसे सेटिंग करना है, कैसे मिलाना है, कैसे वायर गार्ड इसको बोलते हैं जी। इसका सेटिंग कैसे करना है, इसमें क्या है कि हम लोग को जो स्टाम्पिंग है उससे जरा सा आगे रखना है, एक स्लॉट को गाइड करना है, एक स्लॉट, एक ही स्लॉट को गाइड करना जी। है, और एकदम सेंटर में ये पिन होना चाहिए ताकि वायर जो गिरे वो इससे गिर के अंदर जाए, अंदर जाए। अगर वो स्टेटर में टकराएगा तो टूटेगा, टूटेगा, कॉइल ओवर भी होगा, कॉइल ओवर भी हो जाएगा। तो ये यही इसकी सेटिंग है जी, मैनुअली सेटिंग यही है इसका, जैसे वायर ऐसे आराम से अंदर को चला। हाँ, ये अंदर जा रहा है वायर, ये देखिए हाथ से एक दो बार करके चेक कर लिया जी। और तब मशीन ऑन करेंगे तो चलेगा। ये हम लोग का ब्लेड का डब्बा जो है, इसमें हर 24 पीस ब्लेड के डब्बे में डबल बेड शीट का जो चादर है वो फ्री होता है। असल में ये अट्रैक्शन जो है वो रिटेलर्स के लिए है, ताकि वो लोग बाकी जो पंखा है उसको ना लेके 24 पीस इसको इकट्ठा लेगा तो उसको एक बेड शीट मिल जाएगा। ये डबल बेड शीट होता है विथ टू पिलो कवर, है ना। ये सब यहाँ पैकेजिंग का काम चल रहा है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि फ़ैन के डब्बे में जो लोग बेल्ट मारते हैं, आज के डेट में बेल्ट हम लोग मास्टर पैक में मारते हैं, जैसे ये मास्टर कार्टून है, यहाँ बेल्ट मारा जाए तो मतलब अच्छा लगता है देखने में कि चलो प्रोटेक्शन के लिए बेल्ट मारा जा रहा है। लेकिन ये बताइए, ये फैंसी डब्बा होता है,